हिंडोरिया में एक ट्रक भीड़ से घिरा घर में जा घुसा, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। दरअसल हिंडोरिया में मुस्लिम समाज का धार्मिक आयोजन दरूदे गौसिया चल रहा था। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ मौजूद थी। ये कार्यक्रम दमोह पटेरा रोड पर चल रहा था। पटेरा से दमोह की ओर सीमेंट की बोरियों से भरा एक ट्रक दमोह की ओर आ रहा था, जो बेकाबू हो गया और भीड़ को कुचलते हुए एक घर में घुस गया। इस हादसे में 3 साल की मासूम की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। सवाना नाम की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इसके अलावा और भी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। प्रत्यक्षदर्शी जुल्फिकार अली ने बताया कि कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान एक ट्रक चालक एक हाथ से मोबाइल से बात करते हुए तेज गति से ट्रक लेकर आ रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और ट्रक सीधे घर में घुसा दिया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। वहाँ पटेरा तरफ से ठिला रहा था तो एकदम एक हाथ से वो मोबाइल चला रहा था, एक हाथ से गाड़ी तो बहुत स्पीड में गाड़ी थी, सीधी एकदम घुसी, एक सेकंड में अंदर हो गई। उसमें वहाँ प्रोग्राम चल रहा था दरूदे गौसिया का, तो दूसरे कमरे में और लोग इकट्ठे थे, इस तरफ 4-6 लोग थे, उसमें से दो, एक सब्बू और एक बच्ची खत्म हो गई, दो अभी दबे हुए हैं उसमें सारे।